सो गाइज आपको इसका होम स्क्रीन को इस टाइप का देखने को मिल जाएगा और डायलर में आप देख सकते हैं काफी कूल सा आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सेटिंग में, सेटिंग में आपको काफी अच्छा से देखने को मिल जाता है और लॉक स्क्रीन गाइज आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू बैक आवर न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू अ बेस्ट कस्टमाइजेशन थीम। सो अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या फिर आपको थीम अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पे दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड थीम और हाउ टू अप्लाई थीम। सो इस थीम का साइज आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाएगा और इस थीम में आपको हर तरह के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। इस थीम को आपको अप्लाई करने का थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसका सेटिंग में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और वीडियो से आगे से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर आपने ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना ताकि ऐसे मिले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। आपसे ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक थीम बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है दोस्तों, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर लेना। सो विदाउट मेनी ओवर वॉचिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थीम स्टोर में आपको थीम का प्रीव्यू कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है और होम स्क्रीन का देख सकते हैं वॉल पर भी काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है और आइकॉन्स वाइज ये थीम काफ़ी अच्छी होने वाली है। और डायलर भी आप देख सकते हैं, डायलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, ऑरेंज ग्रेडिएंट कलर का देखने को मिल जाता है और सेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है। अगर आप होम स्क्रीन के आइकन्स को थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो फिर आपको ओल्ड आइकन के थोड़ा सा अपडेटेड आइकन देखने को मिल जाते हैं और सिस्टम अबाउट फोन में आपको इस टाइप का लोगो देखने को मिल जाता है। सिस्टम अपडेट में आपको कुछ बेटर सा लोगो देखने को मिल जाता है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लोगो आपको देखने को मिल जाता है और वीवो X90 प्रो का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। इसमें मैं आपको कोई भी डिसअपॉइंटेड फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं और विंडोज का लिंक भी अब चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन का आइकॉन्स काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है और ड्रॉअर भी देखा जाता हूँ, ड्रॉअर में सारे आइकॉन्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और कंट्रोल पैनल भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और बैटरी आइकन वगैरह भी चेंज देखने को मिल जाएगा, सिर्फ फंटो चॉइस 11 और फंटो चॉइस 11 में चेंजेस नहीं होगा। और डार्क मोड और लाइट मोड में आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि मैं PNG वर्जन में देखा रहा हूँ, मेरा अभी नहीं होगा क्योंकि मेरा फंटो चॉइस 11 रन कर रहा है। और ये थीम डार्क मोड भी सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं इस टाइम का डायलर भी आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है, ऐसा कोई भी आपको ग्लिच देखने को मिलेगा और सेटिंग में भी आपको डार्क मोड को इस टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है। और सेटिंग में सारी आइकन्स की बात करूँ थोड़ा सा आपको ओरिजिनल इसका फीलिंग आ जाएगा और लॉक स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आप सिस्टम अपडेट देख सकते हैं, सिस्टम अपडेट आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है, कंप्लीट डिज़ाइन किया गया है और इसमें ओरिजिनल इसका लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है। और सो इस ये ओरिजिनल स्क्रीन का कस्टमाइज्ड वर्जन है, आपको पता चल गया होगा। सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस टाइम के मेन और फाइनल फीचर को लेकर, वो है गाइस इस टाइम का लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन देखने को मिल जाता है और क्लॉक स्टाइल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर देखने को मिल रहा है वो भी आपको न्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग इनोवेशन सपोर्टेड भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सभी वीवो डिवाइस में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसमें लॉक स्क्रीन एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। नीचे आपको वीवो सुपर प्लस एच का लोगो देखने को मिल जाएगा और लॉक स्क्रीन का एड्रेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये थीम आपको पसंद आएगी और ये सब चेंजेस भी आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट थीम मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का चेंजेस देखने को मिल जाएगा, अपडेट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको न्यू लुक देखने को मिल जाएगा और सेटिंग में बैकग्राउंड वगैरह आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट में प्लस का आइकन भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। सो आई होप डैट ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।